तिवारी जी आए हैं, वो ठेला लेके घूम रहे हैं। कि वो देखा जाए वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर है मिस्टर अंबानी और अदानी के। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में मौजूद हूँ, कैनन स्ट्रीट है। अलग अलग समुदायों के लोग यहाँ धंधा करते हैं और इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ से सारी चीज़ें अलग अलग देश के हिस्सों में जाती हैं। मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो शीशे की दुकान है और दाहिनी तरफ अगर देखेंगे तो ये प्लास्टिक के सामानों की दुकान है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ बिकती नहीं है। लेकिन क्या वोट भी बिकता है? क्योंकि हवाई जहाज़ तो बिकता है, रेलगाड़ी तो बिकती है, स्टेशन तो बिकते हैं, बस अड्डे तो बिकते हैं। सरकार ने हमको समझाया है कि देश के लिए देश की हर चीज़ बेचनी पड़ती है, तो क्या वोट को भी बेचने वाले लोग हैं और क्या वोट को भी खरीदने वाले लोग हैं? बाजार में खड़े होकर हम सियासत के बाजार की बात करेंगे और समझेंगे कि बंगाल इस बार क्या चाहता है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। इम्तियाज़ भाई, कुछ मन बनाया है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है? बहुत लोग आते होंगे। देखिए, लोग तो बहुत लोग आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ बंगाल में आज जमा हैं और बंगाल का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल का माहौल ख़राब कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि बंगाल के लोग जो हैं अमन और शांति से मिलजुल कर रहते हैं सदियों से, लेकिन आजकल जो बाहर से कुछ लोग आए हैं वो लोग आपसी मोहब्बत। बाहर से कौन आया है, साफ कीजिए। जैसे बाहर से आपके मनोज तिवारी जी आए हैं, वो ठेला लेके घूम रहे हैं। अच्छा, आने वाले 20 साल में इससे पहले तो एक बार भी उन्होंने ठेला नहीं खींचा कलकत्ता। इतना ठेला तो जितनी देर में मैं पहले से देखा हूँ, इतना ठेला तो कहीं नहीं घूमता होगा। मनोज तिवारी भी आके रिक्शा खींच रहे हैं कलकत्ता में। अच्छा, और 20 साल से वो दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको बंगाल याद नहीं आया था, लेकिन इस चुनाव में उनको बंगाल याद आया और बंगाल का वो रिक्शा खींच रहे हैं। अच्छा, तो लोग बंगाल की पब्लिक रिक्शे से पहुँचेंगे कि नहीं विधानसभा तक? जी नहीं, लोगों ने मन बना लिया है कि बंगाल में जो बंगाल की मिल्लत है वो टूटने नहीं दी जाएगी। बंगाल के लोग हमेशा एकजुट होकर रहते हैं और एकजुट होकर रहेंगे, और इस बार भी सरकार बहुत भारी बहुमत से ममता बनर्जी की बनने वाली है। अच्छा जी, मतलब पूरे बंगाल की तरफ से आप ये बात कर रहे हैं सर? जी, मेरा मन बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जितने भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इमरान कादिर है। इमरान साहब, आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, और एक्चुअली क्या है ना कि मनोज जी को तो वहाँ से दिल्ली से तो मनोज तिवारी को छोड़िए ना, मोदी जी की बात करिए, कहाँ बेरोजगार कर दिया गया है। अच्छा, इसलिए उनको रोजगार के तौर पे यहाँ पे उनको रिक्शा वाला काम मिला है। अच्छा, अभी ममता दीदी की वजह से उनको रिक्शा चलाने का मौका मिल गया है। अच्छा, वरना इनको यूपी में भी कहीं जॉब नहीं मिला, बिहार में कहीं जॉब नहीं मिला, उनको मिला जॉब कहाँ? बंगाल में आके। अब उनको सोचना चाहिए कि उनका मतलब उनको जॉब कौन दी? मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो पूरे बंगाल को जॉब देंगे, तो ठीक है, मनोज तिवारी को भी नौकरी मिल गई। हाँ तो मिलेगा ना, वो तो सबको तो दे दिए हैं पूरा भारत। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतीउल्ला है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। यहाँ उड़ीसा से? जी, लेकिन यहाँ नवीन पटनायक के यहाँ से? हाँ, वो तो 25 साल से हैं। अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, मैं जिस दुकान को जाता हूँ वहाँ मैं पूछता हूँ खासकर जानने के लिए, और मतलब खासकर यहाँ की महिला लोग जो है ममता दीदी के पीछे मजबूती से खड़े हैं। अच्छा। और यहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं दोनों समुदाय की तरफ से, वो भी ममता दीदी को पसंद कर रही हैं, कैसा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दोबारा जो है ममता दीदी यहाँ पे शासन में। उड़ीसा में कहाँ से हैं? हम उड़ीसा में हैं, कटक जिला, वहाँ से हैं। हाँ जी, अच्छा, कटक जिला मतलब उड़ीसा का जो। आप यहाँ खरीदारी करने आए? हाँ, हमारा दुकान है वहाँ पे। अच्छा, दुकान है, यहाँ खरीदारी करने आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो हम उधर भी पॉलिटिक्स में थोड़ा रुचि लेते थे, तो यहाँ देखे तो यहाँ पूछ ले थोड़ा क्या माहौल है यहाँ का, तो देखे तो क्या तो, समझ में आया? तो ममता दीदी का पल्ला भारी नजर आ रहा है यहाँ पे हमको। हाँ जी, सही कह रहे हैं? जी हाँ, सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रियाजत खान हूँ। अच्छा, साथ में है? साथ में। साथ में? आप भी उड़ीसा से? जी हाँ, उड़ीसा से आया हूँ। बात बताइए कि आपको मोदी जी में भरोसा नहीं है? आप लोगों को मोदी जी में मोदी भरोसा कैसे होगा बताइए? काम ऐसा करना चाहिए ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करते हैं ना, बोलते हैं ना, नारा उनका नारा है, तो काम करके दिखाना चाहिए ना भाई। अच्छा,
सब इतना तो काम किया, नोटबंदी उन्होंने की, जीएसटी उन्होंने किया, देशबंदी उन्होंने की, और कितना काम, इंसानियत का काम होना चाहिए, इंसानियत का काम होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद राहिल है। तो इतना काम हुआ है, आप लोगों को इतने काम से संतोष नहीं है? देखिए सर, देश के लिए वो देखिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 4-5 घंटा सोते हैं, और कितना काम करे आदमी? देखिए वो देखा जाए वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर है मिस्टर अंबानी और अदानी के। अच्छा। क्योंकि विकास की बातें वो करती हैं और उनका दावा है कि बंगाल में विकास वो आके करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जो होता है वो एक घर का मुखिया की तरह होता है, वो हर एक छोटे बड़े डिसीजन घर के लिए ले सकता है। तो आप बताइए, क्या ये देश के प्रधानमंत्री को ये हक नहीं है कि अपने ही देश की एक राज्य जो पश्चिम बंगाल है उसके लिए वो उन्नति कर सके दिल्ली में बैठकर? तो ये लॉजिक कहाँ से है कि अगर बंगाल का उन्नति करना है, बंगाल में विकास करना है, तो यहाँ का गद्दी उनको चाहिए? डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार कैसे मिलेगी? धीरे धीरे हर एक इंजन को तो वो बेचते चले आ जा रहे हैं। अब किसी दिन ऐसा होगा कि रात को सुबह हम नींद से उठेंगे, आज आप देखिए कोई भी बॉर्डर में आप जाएगा हिंदुस्तान का, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, वहाँ पे जब पब्लिक हिंदुस्तान में एंट्री करती है तो लिखा रहता है वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कुछ दिन के बाद वहां लिखा रहेगा वेलकम टू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी एंड अंबानी ग्रुप। अरे बाप रे, तो विकास हुआ है, तो विकास हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ है जो आप देशद्रोही हैं क्या? जी जी जी, मुझे भी पाकिस्तान भेजना चाहिए उनको। अच्छा। क्योंकि वो तो सबको देशद्रोही बोल के पाकिस्तान भेज देते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि जितना हक उनका भारत देश पे है, हम लोगों का भी उतना ही हक है, और हम भी देश के बारे में उतना ही सोचते हैं जितना वो सोचते हैं। लेकिन कार्य नहीं हुआ, राजनीति के नाम पे उनके पास सिर्फ दो ही मुद्दा है, कभी वो इंडिया पाकिस्तान या फिर धर्म। हर रोज एक नए नए शब्द का आविष्कार होता है मोदी जी के ग्रुप की तरफ से, कभी लव जिहाद का नाम, कभी हिंदुत्व खतरे में है, राम राज्य के बारे में वो बात करते हैं। आज मैं मोहम्मद राहिल एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा मुसलमान कहता हूँ कि अगर इस देश में राम राज्य आ जाएगा तो देश में सबसे ज्यादा खुशी मुसलमानों को होगी, क्योंकि प्रभु राम जो थे वो वादे के पक्के थे, अमन पसंद थे। एक अपने पिताजी की एक वादे के लिए उन्होंने महल को त्याग करके वनवास चले गए, और एक हमारे साहब हैं जो बात करते हैं राम राज्य का और अपने गद्दी की और अपने पोस्ट की मुंह माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो जा ही नहीं रहे। बाबा हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं आप एक क्या नाम है झोलाधारी बाबा हैं, सन्यासी हैं, फकीर सन्यासी हैं, आप प्लीज सन्यास में जाएं, तब जाके देश को राहत मिलेगा। देश पोस्टर नहीं देखा राम जी उंगली पकड़ के जा रहे हैं अयोध्या में? बहुत सारी पोस्टर देखे और बहुत सारे पोस्टर ये भी देखेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद कुतुबुद्दीन खान। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? बिजनेस है आपका? जी जी जी। किस चीज़ का बिजनेस है? प्लास्टिक का। तो ये सब लोग ठीक कह रहे हैं? सब सही बोल रहे हैं, यहाँ तो एक ही नारा होना चाहिए। हाँ। अपना सबका साथ अपना विकास। अच्छा, किसका नारा होना चाहिए? बीजेपी का। अच्छा जी, क्या तो उसको होगा कि नहीं उसका विकास? सुनार बंगला बनेगा। अरे जहाँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सरकार है पहले उसी को सुनार बंगला बनाओ, जहाँ जहाँ सरकार है। सोनार गुजरात बनाओ। क्या 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 बोले? सोनार गुजरात बनाओ, सोनार यूपी बनाओ। सोनार गुजरात को तो छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी कि ट्रम्प जी देख नहीं ले कितना बढ़िया सोनार गुजरात है। अच्छा, वो दीवार उन्होंने खड़ी कर दी। हाँ। नारा तो सब मिलके लगाते हैं भारत माता की जय। हाँ। यानी कि औरतों को, माताओं को इतना सम्मान दिया जाता है। हाँ। और वहीं पे आप देखिए आज हमारा देश नारी सुरक्षा के मामले में कहाँ पहुँच चुका है। पूरे विश्व में लोग कहते हैं अपनी माँ बहनों को कि हर जगह जाओ, हिंदुस्तान में मत जाओ, क्योंकि गली गली में हाथरस केस हो रही है। सिर्फ ये पश्चिम बंगाल है। आपका क्या नाम है? आइए 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 भैया। आप दादा क्या करते हो? हम काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ। मतलब दुकान है आपकी या नौकरी करते? दुकान करते। तो यहाँ ये बताइए कि ये पूरे इलाके के लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? वोट तो देखिए अपना अपना मत है, जिसको जो पसंद आता है वो अपना देता है। आपकी पसंद क्या है? हमारा पसंद है पार्टी जो अच्छा रहे, सुख से रहे, शांति रहे, बजाय रखे, बस यही हम चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। शांति चाहते हैं? शांति चाहती है। कौन शांति नहीं चाहता है ये बता दीजिए। शांति चाहता नहीं, ये बात नहीं है, शांति कायम रहे, बस यही हम चाहते हैं। तो कहानी ये है, यहाँ पे ये बड़ा बाजार का इलाका है और पीछे तक आप देख पा रहे होंगे केवल भीड़ है, ठेला गाड़ी है, माल है और बिक्री है। लेकिन एक चीज समझ में आती है यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी जरूरत है वो अमन है, शांति है, और अमन और शांति के बिना कोई भी विकास यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब अमन और शांति की बात आएगी
तो सवाल उठेंगे। ये सवाल ममता बनर्जी पर भी है जो बीजेपी लगाती है, और ये सवाल बीजेपी पर भी है जो यहाँ के लोग लगाते हैं और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगाती है। इन दोनों सवालों के बीच में संविधान का रास्ता कहाँ है, शांति का रास्ता कहाँ है, भाईचारे का रास्ता कहाँ है, विकास का रास्ता कहाँ है, आपसी एकजहती का रास्ता कहाँ है, उस रास्ते की तलाश के लिए आपको 2 मई तक इंतज़ार करना होगा। बड़ा बाजार से आर्टिकल 19 इंडिया के लिए इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।